मैं जया कुमारी एमजेके हाई स्कूल प्लस टू चमुआ पश्चिम चंपारण द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस पावन मंच को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करती हूं और एक सुविचार के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई हूं। आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से तकदीर बदलती है, यह उतनी ही सच्ची है जैसे सूरज रोज निकलती। चलते हैं फिर विज्ञान विषय के तरफ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है, अर्थात जीव शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका, जीव शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका, जीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका, जीव शरीर की अनुवांशिकी इकाई कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। उस कोशिकांग में बहुत सारे कोशिकांग की हमने चर्चा की थी। आज फिर एक कोशिकांग लेकर आपके सामने है जिसका नाम है अंतःप्रद्यवी जालिका। अंतःप्रद्यवी जालिका कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। यह अत्यंत छोटा शाखित झिल्लीदार और नियमित कोशिकाओं का जाल होता है। ये लाइपोप्रोटीन से बना होता। अंतःप्रद्यवी जालिका दो प्रकार का होता, जो चिकनी और खुरदरी अंतःप्रद्यवी जालिका कहलाता। चिकनी अंतःप्रद्यवी जालिका का झिल्ली चिकना होता और खुरदरी अंतःप्रद्यवी जालिका के ऊपर राइबोसोम रहता। अंतःप्रद्यवी जालिका प्रोटीन का संचार करता और यह परिवहन तंत्र का भी निर्माण करता। चिकनी अंतःप्रद्यवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता। ये कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता। अंतःप्रद्यवी जालिका कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता। कशेरुकी यानी जंतु का एक वर्ग है। यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्यवी जालिका विष और दवाई का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भाग लेता। ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने के लिए रास्ता बनाता, इस कारण कोशिका का सतही क्षेत्र बढ़ जाता। खुरदरी अंतःप्रद्यवी जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता। अंतःप्रद्यवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की और इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये रहे हमारे अंतःप्रद्यवी जालिका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कोशिकांग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।